भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है सोमका पंचायत के गांव चैन की कला में। ये वो गांव है जहां पर अभी कुछ देर पहले हारिस नाम के एक लड़के को, जो कि नाबालिग लड़का बताया जा रहा है, उसको कुछ बदमाशों ने चाकू से गोद डाला है। चाकू से गोदने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई है, जिससे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। ये जो गांव आता है ये पहाड़ी तहसील के अंदर आता है और भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। खैर, जैसे ही गाँव वालों को पता लगा कि गांव के ही एक नाबालिग लड़के को कुछ बदमाशों ने चाकू से गोद डाला है, तो पूरे गांव के लोग घटना स्थल की ओर पहुंच पड़े। पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और गाँव वालों ने बदमाशों को दबोच भी लिया। खैर, क्या है पूरा मामला, उसे समझने के लिए सीधा चलते हैं गाँव वालों के पास और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मामला था, कौन वो लोग थे जिन लोगों ने हारिस नाम के लड़के को बड़ी ही निर्मम तरीके से मारा है, बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा है। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी साजिद भाई। साजिद जी, कौन सा गांव आपका? मेरा गांव यही है, चानिया कला। चानिया की कला। और अच्छा, हारिस लड़का है जो, ये मेरा चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का है। अच्छा, ये बताइए कौन वो लोग थे जिन लोगों ने इसको मारा है और किस बात को लेकर मारा है, कुछ पता है आप लोगों को? जी, वो हमारे को इतना पता, सुबह गया था हमारी बहने मल्ला का गाँव में जी, तो सुबह गए थे, उधर से रिटर्न आ रहा था वापिस बगद के जी, तो उनको दो लड़के मिले थे जी, पता नहीं वो कौन थे, और उन्होंने चाकू से गोद दिया। मतलब कोई कहा सुनी हुई होगी, कोई कहा सुनी होगी तो उनके, उन्हें ही पता, हमें कुछ पता नहीं है। तो आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? हमारे को जानकारी मिली एक, पता नहीं किसके पास फोन आया, कैसे ऐसे ही हमने सुन लिया, मतलब ऐसा कुछ हो गया, पूरा गाँव उधर भाग निकल पड़ा। तो वहाँ जो दो जिन्होंने वो चाकू मारा था, वो दोनों आरोपी पकड़ लिए, दोनों लड़के पकड़ लिए चाकू से, इधर पूरा निशान है, वो दोनों लड़के हम उनको पकड़ के ले आए और ला कर वो पुलिस को दे दिए। हारिस की कंडीशन कैसी है? हारिस की कंडीशन ये है जी, बिल्कुल चल बसा। खत्म कर दिया। चाहिए जी, क्या चाहिए? न्याय चाहिए। आप लोगों की बातें हुई थी बदमाशों से जब आप लोगों ने पकड़ा, क्या बोला उन लोगों ने? उनने बोला आसिफ अली भी मारो और गादड़ी को मारो। आसिफ का नाम भी लिया? आसिफ का नाम भी लिया और बादड़ी को भी मैं नहीं मारा। तो छोरो अपनी बहन पे मिलन लुगे हो या लेन लुगे हो, 14-15 साल को जी। तो ये बदमाश मिला, उन्हें चाकू मार दिया। तो जब उद्विशु आया आदमी, गांव में फोन करा, फिर वे पकड़ लिया, उनने गांव में भी लाया, उनने कही हमने आसिफ अली मार दियो और उतलू बादड़ी को मार दियो और हम ऐसे ही छोड़ रखा, और हमने न्याय चाहिए। कुल मिला के जबरदस्ती मारो, छोर नहीं थे, उम्र ना 14-15 साल छोर हो, तो बहन पिए मिलन लु गए हो। चलिए, ये हम लोग गांव वालों से बातें कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से निर्मम हत्या हारिस नाम के लड़के के साथ की गई है और उनकी की गई है। हालांकि क्या कहते हैं बदमाश, आइए आपको सुनवाते हैं। भाई का इल मारा बालक दमन ने? भाई मैं रास्ते से जा रहा था, उन्होंने मुझे रुकवाया और मेरे हाथ से उनको चाकू लग गया था और कुछ ज़्यादा चोट आई थी उनको। अभी कहाँ मारा था चाकू? पेट में लगा था सर। पेट में कहाँ से? यार मुझे भी ऐसे नहीं पता, कहाँ लगा था, पर लगा था उनको। हाथ बाहर निकल गई ना उसकी? तो हाथ बाहर निकल गई ना। ये क्या है लग रहा तुम्हारे इधर? ये खून लगा हुआ है। इधर लगा हुआ है ना पूरा? ये खून लगा हुआ है पूरी तरह का। फल देता मन ने भाई साहब, गलती तो होगा। चलो कोई बात नहीं। तो भाई ये तो तैने कहा करो कुछ नहीं, साथ में आया था, तैने करो पूरा काम है। मैं भी डर की वजह से कर गया ऐसा। फिर तीन तीन का पल्ले भाई, तैने तो एक आदमी की तन जान ले ली, फिर बात भी तो एक काल जाता हूं। तो बताऊं तो ऐसे तेज कर दी, ये कटेंट में लग गो, एक का हाथ में, ठीक है, तीन चक्कू मारा था मैं सब। वो खाता पाई में हुआ था वो बंदी, तू तेज बोल थोड़ा सा। चलो ठीक है, रास्ते से जा रहा था, एक भाई ने मुझे रुकवा लिया और गलती से मेरे हाथ से, मतलब उसको चाकू मार दिया मैंने, उसको ज्यादा चोट आ गई। अभी हाथ लगा ले तूने उसके? भाई पेट में लगा था जो मारा था। पेट में ये क्या हाथ ले लिया यार तूने? भाई मारा क्यों था तूने? भाई डर की वजह से हो गया।
डर की वजह से। हाँ भाई तू क्यों बैठा है, तूने मारा था क्या भाई? तो कुछ भी नहीं था, मैं साथ में दो तीन लड़की को पल दिन तूने, दो तीनों को चाकू मारे, चाकू कसने मारो तो मरना चाकू कसने मारो या नहीं मारो? हाथ से लगा, मेरे हाथ से मेरा हाथ है ना, एक बार बंद कर। बदमाशों की ये वीडियो आपने देखी और ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड की गई थी जब गांव वालों के हाथ वो बदमाश लग गई। बदमाश क्या कुछ कह रहे हैं वो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। इसके अलावा गांव के और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? हकम खान। हकम जी, अच्छा ये लड़का है जो हरीश नाम का लड़का है, अच्छा क्या करता था ये? सर ये अभी पढ़ाई छोड़ी है इसने। अच्छा, पढ़ के नहीं अभी, मतलब क्या नाम है, अब अपना धंधा की शुरुआत कर रहा था ये। पढ़ भी रहे हो? हाँ पढ़ भी रहे हो। और लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई तो बंद ही है। बाकी ये अपनी बहन के पास गया था मल्ले के काम में, तो ये पता नहीं मतलब उधर से आ रहा था ये बदमाश, मतलब इसको मिल गया, उसने चाकू से गोद दिया बुरी हाल। अच्छा, बदमाशों के नाम पूछे आप लोगों ने, क्या क्या नाम उनके? सर नाम तो बताया था लेकिन दिमाग तो सही नहीं है, थोड़ा ध्यान नहीं है। हाँ, नाम निकल गया है। तो अगर जो हमारा कोई आदमी उन जालिमों के बीच में हो जाता तो जैसे हमने 22 जत पुलिस के हवाले किया है, वे हमारा आदमी को, मुसलमान को वे लोग नहीं करते। अच्छा, वह तो मतलब मार देते, पता नहीं जला देते, लाश तक को नहीं देते। हमने गांव वालों ने, पब्लिक वालों ने किसी के उसके हाथ भी नहीं लगाया, उसको बाइज्जत पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस से क्या उम्मीद है आप लोगों को? पुलिस से हम तो यही चाहते हैं, प्रशासन से, सरकार से, अगर हमारे जो हरीश भाई है उसके लिए न्याय मिले, न्याय मिलना चाहिए। गलत हुआ जो भी हुआ, गलत चाहिए, नाजायज मारो। कुल मिला के यही अपील है प्रशासन से, न्याय मिलना चाहिए। देखिए गांव के लोग हैं, मैं कहूंगा कैमरामैन से कि एक बार पूरा दिखाए कि किस तरीके से गांव में और जो परिवार के लोग हैं उनको संतावना देने के लिए, उनको ढांढस बनाने के लिए पूरे गांव का हुजूम उमड़ा हुआ है। सवाल ये है कि आए दिन इस तरीके की वारदातें क्यों हो रही हैं? आखिरकार किस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं, बेलगाम हैं? आखिरकार कब तक इस तरीके की वारदात को ये लोग अंजाम देते रहेंगे? खैर, जितना हम लोगों ने जानकारी जुटाने की कोशिश की है वो ये है कि जो हारिस नाम का लड़का था वो नाबालिग था, उनकी उम्र महज 15 से 16 साल की रही होगी। और बता रहे हैं परिवार के लोग कि वो मल्लाह का गांव से अपनी बहन से मिलने के बाद गांव की ओर आ रहे थे। इसी बीच बदमाशों और हारिस के बीच में शायद कुछ कहा सुनी हुई होगी, ये लोग भी ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं। हालांकि वहां पर मौके पर मौजूद कोई नहीं था। अच्छा, वहां पे कोई नहीं था मौके पर मौजूद? कोई नहीं था। अच्छा, आप लोगों को बाद में पता लगा? देखिए गांव वालों को और परिवार वालों को बाद में पता लगता है, जैसे ही पता लगता है पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और साथ ही पूरा गाँव घटनास्थल पर पहुँचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। और साथ ही जो बदमाश पकड़े जाते हैं उनके साथ मारपिटाई भी नहीं की जाती। ये आप इंसानियत और दरियादिली देखिए कि उसके बाद में पुलिस पर भरोसा जताते हुए इन लोगों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया है। और इन्हें उम्मीद ये है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करेगा और हारिस नाम के लड़के को इंसाफ दिलवाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या मिला है उनपे? चाकू मिले हैं? चाकू मिला? अच्छा, चाकू बरामद हो गया है वो? हाँ, अच्छा, चाकू कहाँ? पुलिस लो बरामद कर दिया। अच्छा, पुलिस को दे दिया चाकू और मोबाइल मिला, दो तीन चार, हाँ दो तीन मतलब चार, और भी कोई आइटम है जन कहा का? उनको अलग सिस्टम है, कोई बैग है वहाँ पे? बैग वगैरह सारा सिस्टम अलग है, मतलब उगड़वा दिया, मतलब पूरा जो भी सामान है हमने पूरा पुलिस के लिए दे दिया। जब हमने पूछताछ करी तो उसने कोई गुड़गामा का, कोई मनीष नाम का कोई आदमी है उसका, गैंग का मनीष नाम का, मनीष नाम का गुड़गामा का आदमी है उसका नाम लिया है, मनीष नाम का आदमी है और उसने हम मतलब इधर में भेजा है। और मतलब हम तो आसिफ को भी मतलब हमने ऐसे ही मारा था जैसे ये लड़के को मारा है, 8 या 9 लड़के उसने इसी तरीके से मार दिए। अच्छा, किस चीज से थे ये लोग? गाड़ी से थे, मोटरसाइकिल? बाइक खड़ी है, मोटरसाइकिल हमारे पास है, इधर खड़ी। नंबर कहाँ का उसका? रजिस्ट्रेशन कुछ देखा? नंबर अभी हमने उसका कंफर्म नहीं किया जी, कैसे हम परेशानी, खड़ी है सामने, आप नंबर भी देख सकते हैं। चलिए, आज बड़ी मोटरसाइकिल, हां तगड़ी मोटरसाइकिल है, वो नारू के खेतन में भी दौड़न फेंक जा। हां चलिए, देखिए फैजर मोटरसाइकिल बता रहे हैं और जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, खैर उसके बाद से पूरा गांव गमगीन है, पूरे गांव में मातम का माहौल है और पूरे गांव की आस पुलिस प्रशासन से है कि शायद पुलिस प्रशासन हारिस नाम के उस लड़के को सही तरीके से इंसाफ दिलवाएगी।
खैर देखना ये होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच होती है और जिस तरीके से एक निर्मम हत्या यहां पर की गई है उसको इंसाफ किस तरीके से मिल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, सोम का पंचायत चैनल।